कौन गुरु कैसा है, इस चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर अनादिकाल से अच्छे गुरु भी रहे हैं और बुरे गुरु भी रहे, ऐसा कोई भी काल नहीं आया। चौथे काल में भी क्या खोटे गुरु नहीं थे? चौथे काल में क्या नरक जाने वाले गुरु नहीं थे? सब थे। चौथे काल में पापियों की संख्या देखो कितनी है। आज के क्या पापी हैं? चोर भी थे, डाकू भी थे, व्यभिचारी भी थे, भ्रष्ट भी थे, भ्रष्ट भी थे, अच्छे भी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला महानुभाव। तुम कहो कि जब सारे साधु शुद्ध हो जाएंगे तब मैं साधुओं को मानूंगा, तो ना सब शुद्ध होना है और ना तुम मान पाओगे, कभी नहीं होना। एक भी काल ऋषभदेव के समय 4000 भ्रष्ट हुए, एक भी काल नहीं है जब निर्दोष साधु। सारे साधु खोटे नहीं हो सकते और सारे साधु कभी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जहां जहां रास्ता है वहां वहां एक्सीडेंट की संभावना है। कोई ऐसी सड़क बता दो जिस पर यह लिखा हो इस सड़क पर चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा, है? कोई गाड़ी ऐसी बता दो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट कह रहा हूं मरना नहीं, मरने की बात है। एक गाड़ी बताओ दुनिया में जिसका एक्सीडेंट होता ही नहीं। गाड़ी है तो नई गाड़ी के साथ स्टेपनी जो तुम्हें मिलती है ये क्या बता रही है? स्टेपनी लगी रहती ना चाक, वो क्या बता रहा है? वो स्टेपनी दुर्घटना के लिए है ना। सब गाड़ियों के साथ मैंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ी देखी। अशोक पाटनी की गाड़ी थी बहुत बड़ी, तो मैंने कि इसमें तो स्टेपनी होगी नहीं। तो बोला ये है। मैंने कि क्यों, फिर करोड़ों का मतलब क्या? अरे महाराज जी दुर्घटना तो पेस तो कहीं भी खुल सकता है ना। हो गाड़ी है तो स्टेपनी जरूर होगी, दुर्घटना हो सकती है। सड़क है तो दुर्घटना होगी, ये मोक्ष मार्ग है तो एक्सीडेंट होगा। कई लोग कहते महाराज जी हमने एक बार एक महाराज को ऐसा देख लिया तब से मेरे मुनियों के प्रति श्रद्धा उठ गई। मैंने कही मूर्ख, महाराज को देखा कि महाराजों को देखा? बोले नहीं महाराज एक मुनि को देखा। ओहो, मुनि को देखकर मुनियों पे से श्रद्धा, समझना भाई। मुनि को गलत देख करके मुनियों पे से श्रद्धा उठना ये समझदारी है कि ना समझी? गाड़ी का एक्सीडेंट देख करके महाराज मेरी गाड़ी पे से विश्वास उठ गया। अब तुम देखो मेरा जवाब तो टट फॉल्टेड है, मन की बहुत अच्छा। नहीं महाराज एक महाराज को मैंने ऐसा देख लिया तब से मेरी श्रद्धा उठ गई मुनियों पे से। मन की बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। ये और बता दे, एक गाड़ी का एक्सीडेंट देख करके गाड़ी पे से श्रद्धा उठ गई क्या? है? बोलते नहीं भैया, गाड़ी पे से श्रद्धा उठ गई। आज के बाद मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा क्योंकि मैंने एक गाड़ी को चकनाचूर होते देखा है, उसके सारे लोग मर गए, तब से मेरा गाड़ी पर से विश्वास उठ गया। किस किस का विश्वास उठता है गाड़ी पे से? हर दिन एक्सीडेंट हो रहे फिर भी गाड़ी में बैठो। इस सड़क पर महाराज मैंने एक्सीडेंट दे देखा, उस सड़क पे चलना बंद कर दो। महाराज जी ये घर में मैंने मौत देखी, मेरा तो घर पे ही से विश्वास उठ गया। सब घर में ही मरते हैं।